हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही कॉमेडी शो से लेके स्टार्ट हुआ। सबसे पहले दोस्तों बारी आई आरती की। आरती ने जो परफॉर्मेंस की अच्छी करी। आरती ने दो तीन पंचेस बहुत बढ़िया हमारे कॉमेडी के, जैसे उसने बोला किसानों की इतनी फसलें नहीं होती जितनी अपनी मायरा की मसले होते हैं, ये भी बहुत अच्छा पंच था। उसके बाद उसने जो पंच मारा वो मारा मैं सबके मसले में घुसती हूँ, कोई मेरी रिजाई में कोई नहीं घुसता है। तो यहाँ पे अच्छी ऑडियंस को हंसाया गया, तो उसने अच्छे पंचेस कॉमेडी के यूज़ किए। तो इसके बाद आरती को भाई जो ऑडियंस ने देने थे वोटिंग करनी थी कि उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, तो आरती को इस अपने पंचेस के ऊपर जो वोटिंग मिली वो पहली 6.9। इसके बाद बारी आई हमारे सिद्धार्थ शुक्ला जी की। शुक्ला जी स्टेज पे आए, शुक्ला जी पहली बार स्टैंड कॉमेडी कर रहे थे। शुक्ला जी ने पंचेस थोड़े अच्छे मारे, जैसे उसने पहले बोला भाई एक पंच मारा कि रश्मि को, कि रश्मि हमेशा पीठ पीछे बातें करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड से जब मिलती है तब भी पीठ उल्टी करके उससे बातें करती है। एक ये पंच मारा। दूसरा उसने फिर जो दूसरा पंच था वो भी रश्मि के ऊपर था कि रश्मि बहुत सारी चुगलियां करती है और बहुत एक बारी क्या होता है कि वो शीशे में देख के अपने आप को अपनी ही चुगली कर रही होती है, देख तू रश्मि से डर के रही हो। तो इस तरह एक दो पंचेस उसने रश्मि के ऊपर ही मारे, कुछ अच्छे पंचेस मारे। और फिर उसमें इसने विशाल को भी मार दिया, विशाल लोग तो परौंठों के साथ अचार खाते हैं तू चप्पल खाने लग गया है। तो इसके बाद बारी थी वोटिंग की, जो ऑडियंस वोट करते हैं। तो ऑडियंस ने सिद्धार्थ शुक्ला वैसे ही बहुत पॉपुलर है, मुझे उसके जो पंचेस थे जो उसकी डिलीवरी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी आरती की बढ़िया थी। तो इसको तब भी ऑडियंस ने कोई सिद्धार्थ शुक्ला पॉपुलर है, सिद्धार्थ शुक्ला को दिए 7.2 पॉइंट्स। उसके बाद आई बारी मधुरिमा की। मधुरिमा पे पंचेस ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, जैसे पहला उसने बोला सिद्धार्थ शुक्ला आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हो, ये मेरा जोक था, बट मतलब जिसे कहते हैं उसके डिलीवरी अच्छा नहीं था या उसके पंचेस भी कोई कितने खास नहीं थे। उसने अपने और विशाल के ऊपर ज़्यादा पंचेस यूज़ किए थे और बीच बीच में भूल भी रही थी, तो उसको जो ऑडियंस ने अपने वोटिंग दी वो दी 4.6। अब बारी आई रश्मि की। रश्मि ने स्टार्टिंग करी सिद्धार्थ शुक्ला से, मेरा पहला जोक है सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये जोक था पर यहाँ पे इतना कोई हंसी आई नहीं लोगों को। उसके बाद उसने थोड़े से दोस्त शहनाज पे भी दिए, शहनाज पे ये कि डब्बा है तेरे लिए नासा से आया है, खाने के बाद दो चम्मच है, ये इसमें तेरी वो है कि भाई लोग तुझे अटेंशन देंगे तो टेंशन की दवाई है। यहाँ भी इतना नहीं आया पर शहनाज ने यहाँ पे बाजी मार ली। शहनाज जब स्टेज पे आई तो उसने अपने ऐसे मतलब रिएक्ट किया कि लोगों ने शहनाज पे ज़्यादा तालीम लाई और उसने बोला भाई लाइक की बार शिज नाज करते हैं, सिड और नाज को जो ट्रेंड हो रहा है वो उसको लाइक करते हैं, तो यहाँ पे जो बाजी वो मारी शहनाज। तो रश्मि का मुझे थोड़ा सोसो लगा पर पब्लिक ने वोटिंग जो रश्मि के लिए करी वो करी 5.6। फिर बारी आई आखिरी में विशाल की। विशाल ने परफॉर्मेंस भी बीच में हल्का हल्का भूल रहा था, मतलब कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था और वो ज़्यादा टारगेट अपना मधुरिमा के कर रहा था और एक पारसो कर रहा था। तो विशाल को यहाँ पे जो घर वालों ने तब भी वोटिंग अच्छी दे दी और विशाल को यहाँ पे जो वोटिंग मिली पब्लिक के द्वारा वो मिली 6.4। तो ये जो पांच कल प्लेयरों ने परफॉर्म किया तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो थी वो सिद्धार्थ शुक्ला की दी, तो कल की परफॉर्मेंस में सिद्धार्थ शुक्ला विन हो गया 7.2 से। जैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज की परफॉर्मेंस सिद्धार्थ शुक्ला जीतेगा बिग बॉस। बिग बॉस ने कहा अभी यहाँ की परफॉर्मेंस खत्म होती है, अब वो अपना हर्ष दोबारा आएंगे, अगले प्लेयर्स को तैयार करेंगे और अगले दिन परफॉर्मेंस फिर दी जाएगी। अब परफॉर्मेंस हुई थी, सबके पॉइंट्स मिले थे जो लोगों ने बार दिए थे, डिस्कशन तो उसे नाजी बनता ही था। तो यहाँ पे अपना रश्मि मधुरिमा और विशाल बैठे डिस्कस कर रहे थे भाई ये कह रहे वोटिंग के ऊपर सिद्धार्थ शुक्ला को जैसे ज़्यादा 7.2 वोट मिल गए, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं थी, ये नहीं थी भाई लोग उसे लाइक करते हैं बार ये है वो है, तो सिद्धार्थ शुक्ला की परफॉर्मेंस बाहर चल रही थी। और दूसरी साइड एक साइड माहिरा और पारस बैठे हुए थे, दूसरी साइड सिद्धार्थ शुक्ला और अपना शहनाज बैठे हुए थे, वो उनकी बातें कर रहे थे वो उसकी बातें कर रहे थे भाई। वो माहिरा अपना वही आपको पता है शहनाज और माहिरा आजकल बॉन्डिंग सही नहीं है कि वो ऐसे बीचों टोस कस देती है मेरे को ये करती है वो करती है, और वहाँ से अपना जो सिद्धार्थ शुक्ला वो उसको बनाने लगा हुआ था भाई ठीक है जब बातें हैं तू पारस लाइक करती है ये करती है, तो वो सारी बातें डिस्कशन दोनों ग्रुप बना के लगे हुए थे करने। अब जैसे पता ही है बिग बॉस ने सबको दंडित किया हुआ है, आसिम को पारस को और माहिरा को कि घर का सारा काम वही करेंगे। कल घर के काम के लेके फिर झगड़ा हो गया आसिम और माहिरा और पारस के बीच में भी, तू काम नहीं कर रहा तू ये नहीं कर रहा तू बर्तन साफ नहीं करे मैंने ये किया था मैंने वो किया था, तो इनकी आपस में लड़ाई दोबारा देखने को कल मिली कि काम के चक्कर में। अब बिग बॉस दोबारा हर्ष की एंट्री कराएंगे अंदर, हर्ष घर के अंदर आ जाएगा, वो कहेगा भैया तुमने एक अच्छा परफॉर्म किया था कल बढ़िया था, अब अगले पांच जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रेनिंग देगा। जैसे पांच प्लेयर जो बचते हैं वो पारस है, आसिम है, अपना माहिरा है, शहनाज है और शिफाली है, इन चारों को अलग अलग करके बुलाएगा और एक एक करके उनको ट्रेनिंग देगा सबको, और उसके बाद आज सेकेंड परफॉर्मेंस कराई जाएगी।
अब जब इनकी ट्रेनिंग सारी पूरी हो जाएगी तो वही बिग बॉस हो गया, सारे सारे गाड़ी एरिया में दोबारा कैटेगरी हो जाओ तो फिर सारे कैटेगरी हो जाएंगे और परितोष को घर के अंदर दोबारा एंट्री कर दी जाएगी। परितोष अपने हाथ में एक केक लेके आएगा, सबको बुला लेगा, कहेगा भाई अभी की जो 15 वीक पीछे 15 वीक से बिग बॉस नंबर 1 पे चल रहा है शो, तो उसमें सारे खुश हो जाएंगे और बिग बॉस का बना हुआ केक काट के सबको उससे सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होती ही थी कि अभी पहले प्लेयर को सबके इंट्रोडक्शन दे रहा है कि करके देता है कि भाई जैसे जो आज 5 है उन सबके करके शेयर बोलता है, उनके इंट्रोडक्शन देता है, तो यहीं पर बिग बॉस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड, जो आज का एपिसोड रहेगा यानी वीकेंड का वार, पहले यही परफॉर्मेंस 5 पूरी करेंगी, तो इस परफॉर्मेंस में जो सबसे बढ़िया जो जीतेगी वो शहनाज नंबर 1 पे आएगी, और आज के परफॉर्मेंस शहनाज और नंबर 2 पे आएगा अपना आसिम। बट अगर टोटल वोटिंग देखी जाएगी जो कल की परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस में, तो शहनाज नंबर 1, आसिम 2 पे और अपना सिद्धार्थ शुक्ला 3 नंबर पे आएगा इस टास्क के अंदर। शहनाज की जो वाट लगेगी दोस्तों सलमान भाई की दब के वाट लगा देंगे, भाई तू क्या है मैं समझ नहीं आ रही, तू हर चीज़ के पीछे पीछे पड़ जाती है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ मेरे को टेंशन चाहिए, तू महिरा के पीछे ये है वो है, तो सलमान भाई इतने खुंदक आएंगे कि सलमान भाई मैं रहना नहीं चाहती, बिग बॉस घर का दरवाजा खोलो मुझे घर में चाहिए भी नहीं है, तो ये नाराज होकर शहनाज बाहर गार्डन में बैठ जाएगी और कम से कम आधे एपिसोड बाहर गार्डन में बैठी रहेगी। सिद्धार्थ शुक्ला बोलेगा इस भाई को सलमान भाई को, भैया मैं ले आता हूँ वो बच्ची है, ये कह अरे बच्ची और काम नहीं करना उसने, क्या बच्ची है बच्ची है बच्ची क्या 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 सर पे चढ़ा रखा है, बैठी रहने दो उसको बाहर ही वहाँ पे। आज छपा की टीम दोस्तों घर के अंदर एंटर करेगी और मेन जिस पे स्टोरी बनाई गई है लक्ष्मी अग्रवाल वो भी घर पे आएगी, फिर ये टीम घर वालों के 2 टीमें बना देगी, उस पर एक टास्क करवाई जाएगी, जो इस टीम को जीतेगा टास्क को जीतेगा जो टीम वो उसको दीपिका लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगी और ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार होगा। और दोस्तों जो ये टास्क जो टीम जीतेगी उसमें विशाल जो कि गाड़ी चला रहा होगा दीपिका साथ बैठेगी ओपन जीप के अंदर, और साथ में 4 लड़कियां होंगी जो जीतेंगी, वो है मधुरिमा, उसके बाद अपना आरती, शहनाज और शेफाली। और दोस्तों वीकेंड का वार है, किसी किसी तो घर से बाहर निकलना है, सलमान भाई कहेंगे भैया आज मैं नहीं बताऊंगा बिग बॉस बताएगा तुम्हें घर से बाहर कौन निकलता है। और दोस्तों वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो या तो अपना मधुरिमा घर से बाहर निकल सकती है और हो सकता है कि इस बार एक शॉकिंग इविक्शन हो जाए या डबल इविक्शन भी हो जाए, और हो सकता है कि महिरा भी घर से बाहर हो जाए। ओके दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायावी कट, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक के लिए सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।